The last two decades have been particularly significant because of the mega disasters that have affected our country. We have seen the Gujarat earthquake, we have seen the tsunami in 2004, we have seen a spate of floods in different parts of the country which have affected millions of people. सब चीज भैंस गए सर पानी अल भोरे सवेरे छः बजे सब चीज भैंस गए कपड़ा लत्ता कुछ नहीं है ब्लाउज पिन्ह लगे नदी का पानी आके घुस गया घर में सब हमारा जा ज्वारी गौ सब भांडी कुंडी सब हर गया सीमिन नदी ने एम्बैंकमेंट तोड़ करके इस क्षेत्र को सारे 48 जो विलेजेस है वो सारे अफेक्टेड हैं फ्लैश फ्लड आने के कारण बहुत से हमारे गांव बह जाते हैं खेती बह जाता है जानवर बह जाते हैं और लोगों की जीविका के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है बट वॉट इज़ नॉट अंडरस्टूड इज दैट डिजास्टर्स डू नॉट अफेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन द सेम वे After every disaster, if you see, with best intentions, a large section of people are always left out. Either from relief, rehabilitation, compensation, any support they left out. If you see, who are these people? These are mostly, you find, Dalit, tribal groups, or any other vulnerable categories. सुविधा किसी हुए ना खाद्य भी सर्ट कि मिले ना आमर प्रतिवर्ष बनिया हुए किछी ना किछी असुविधा निहाती हुए आउ बनियारे भी आमर बहुत किछी नष्ट हुए एमती आमे बहुत हैरान हो रिलीफ तो आसे सहज आम पाई पारू ना एमती हुए कोठी मिले मिले नी एमती ए सेठु पॉलिथिन भी नाही किछी भी नाही आम पे घर जो बेस पानी है उठे जा लगे नदिया जो निये नो उपाय ना जो हमें जब लगे इतना घर एककाल कर खानी अंत हल ये स्थिति एक व्यक्ति एक परिवार की है जो कि डिग्निटी के साथ अपने गांव में जी खा रहा था वो अब रिफ्यूजी बनता है या रिक्शा चालक बन जाता है या दीन मजदूर बन जाता है गांव को सबके कष्ट आया वो पानी आया वो तो ठीक है इधर कास्टवाइज करता है जो गवर्नमेंट के वो आता है जो हमको नहीं देता दलित समाज को नहीं देता है जो वो इधर जाति वो लोग हैं ना वो सभी वो तो लेता है लोग बोलता था जो वहाँ पर खाने पीने के लिए चूरा मिलता है सत्तू मिलता है हम लोग पांच रोज सर हम लोग भी आशा लगा के वहाँ पर मधेपुरा में पांच रोज तक रहे हैं सर पांच रोज तक रहे कुछ खाने पीने के लिए खाना जो हम लोगों बाल बच्चा के लिए ये सब आशा ही देखता था जो ये जाता होगा तो ये लेके आएगा कुछ खाने के मगर हम लोग क्या करेंगे हम और लोग को तो वहाँ पर मिलता भी नहीं था वहाँ क्यों नहीं मिलता था वहाँ पर भी नहीं मिलता लोग को सर मिलता है ज़्यादातर रिलीफ कैंप जो होता है स्कूल कॉलेजों में होता है तो पहले तो सबसे पहले वहाँ तक पहुँचना ही मतलब बहुत सारे कठिनाई होती है लेकिन वहाँ अगर पहुँच भी गए तो उसमें से जो दलित वर्ग के लोगों को एक भेदभाव होता है उनको मतलब बहुत पीछे जो है माने समय मिलता है पीछे जो उनको जगह मिलता है हमारे समाज के लिए जो भी आते है वो गवर्नमेंट दूसरा से वो दूसरा मंदिर बना के लेता है और बार का वो लोग खाता है हमको पंचायत से और गवर्नमेंट से जो भी मिलते हैं हमको ये कुछ भी नहीं आता इधर
एससी कास्ट को जो भी इधर कुछ भी ना हमको मिलता है। उधर उधर लोग का वो लोग का माने खंडित छाए का उधर में पैसा मिला सब, जिसका पक्का घर है उसको पैसा मिलता है, प्लास्टिक मिलता है, यहाँ हरिजन को कोई भी नहीं मिलता। इधर जनों घर जी है ना कोटा समस्या है कोई से के घर एक खुबा बॉस तो पीने वाले ना है, एक मुट्ठी भात खा वाले ना है, गम से ना कहने का तो आजील लगे ये माने सौ का है एको खिरान तो यार लुआ ना है। तो खाने को भात बनाने को दुख पड़ेगा, साल लगने को दुख पड़ेगा, ये कुछ किधर से जाने नहीं जा सकता, इतना ना पानी से जाएगा अब क्या करेगा। You're not born rich and poor. We are not born divided with caste. We are not born with certain people having to suffer and certain people not having to suffer. It doesn't happen like this. So this is something which is rendered by society, rendered by policies, rendered by programs, rendered by what I call an insensitive government, an insensitive people who have created this for a lot of people who are suffering. So this is a rendered vulnerability and therefore the disaster divide. इस तबाही को देखने के लिए या समझने के लिए किसी भी व्यवस्था के पास ना वक्त है ना अटेंशन है। मत सर्वे मोड़क बंद मन सर्वे नम एस सी मंदिर सर्वे यारू मे बर जनरल अस्टे मोबिट्रे আমি এই বানপানী যিখিনি পাবলগীয়া বস্তু মানে সাহায্য বিষয়ে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দৰখাস্ত ব্যক্তিগত হিচাপে কৰিছোঁ, ৰাজহ হিচাপে কৰিছোঁ, কিন্তু সেই ৰাজহ হিচাপে বা ব্যক্তিগত হিচাপে কোনো সাহায্য আমি পোৱা নাই চৰকাৰৰ পৰা। এই পানী শুকাই যোৱাৰ পিছত চৰকাৰী কৰ্তৃপক্ষ আহিলে সিহঁতে দেখা নাপায় পানী, আৰু ইয়াত যিমান ডাঙৰ পানী হৈ গ'লেও পাছত কয় যে সিহঁতে এই ইয়াত পানীয়ে হোৱা নাই, আমুক হোৱা নাই, তামুক হোৱা নাই এনেকৈ বুলি বহুত এই অভিযোগ কৰে। কোনো এটা চৰকাৰ বিভাগত থকা মানুহ আমালোকে আজি ৰাজনীতি খেলাৰ লাগে কোনো সময়, কিন্তু ইলেকশ্যনৰ সময়ত আমাৰ স্কুটাৰ একদম গাড়ীয়ে গোটেই মানুহেই মানুহ আহে, কিন্তু এই সময়ত আমাৰ যেতিয়া ৰাস্তা ভাগি গৈছে সেই সময়ত আমাৰ কোনো এটা মানুহে আমাৰ গাঁওকেইখনত থিয় হ'বলৈ নাহিলে। তো বাৰিছ আহে তো ইধৰ আগে ৰহতা হয়, বাৰিছ গয়ে তো উধৰ যা ক্যা ৰহতা হয়, हमारे बाल बच्चे संभालने के लिए हमको कोशिश चल रहा है अभी, तो कोई गवर्नमेंट वाला कोई आए कि हमको इलाज कर रहा है तो बहुत अच्छा है, नहीं इलाज करे तो हम तहसीलदार के पास कर जाता है, लॉक मार देता है। पानी छूटने का बाद किसका जब लोग होता है, लोग का तरफ का आदमी जो होता है वही लोग को मन टूटा हुआ घर को पैसा देता है कि तिरपाल देता है, आज ये उन लोगों का तरफ का आदमी नहीं है तो उन लोगों को नहीं मिलता है। इतनी बड़ी आबादी जो त्रस्त हो रही है ये मैक्सिमम दलित लोग ही हैं जो कि हमेशा से वंचित रहे हैं और आज भी इनके ऊपर कोई खास ध्यान सरकार का नहीं जा रहा है। What we noticed is that they are the officials concerned, they are not so much interested in the relief, and they know that they are not accountable, and therefore whether they do it or not, no one is going to question them. Blogger ebong collector kati ki ame application deithilu konosi kotha sarkar bi bujhile nahi। मंत्री जी नरेंद्र राव का लिख लिए चिट्ठी जे सर हम लगा हम लोगों को न घास न भूसा न भूसा न भरी न अनाज न पानी करके तुम लोग भागो यहाँ से, तुम लोग ऐसे करता है कितना को राहत हम देंगे। कहिए सर बड़का बड़का आदमी से लाभ भर के दे छे, आ हमें सरकार यहाँ का बड़का नदी के मुँह पर रहे छे सर,
नहीं एकटा ला दै छियै नहीं एक किलो चूरा दै छियै सर। कहलकै तू जाओ यहाँ से डीएम से गप करो। डीएम के सर चिट्ठी लगेलियै दूटा, चिट्ठी लगेलियै डीएम चिट्ठी के लिख लेलकै पढ़ लेलकै डीएम अपना पॉकेट में राखि लेलकै चिट्ठी के। सरकार हमरा गरीब के राहत क्या दियो सरकार। अच्छा तुम लोग जाओ, तुम लोग के एग्जाम हम करते हैं। सरकार अखनी तक एग्जाम करते छै वा डीएम साहब। ডিসি কলো ডিসিও আজিলাকে আমি 14খন গাঁও প্রতিখন গাঁও আমি 10জনকে মানুহ গৈছিল গৈ তেওঁক জনালোকে তেওঁ আজিলাকে সিদ্ধান্ত কোনো আৰু তেখেতক মাতিছিলোঁ আমি তেখেত আজিও ইয়াত ভৰি দিয়া নাই ৰাইজৰ ওচৰত। ಏನೋ ಅತ್ತಾರಲ್ಲೇ ಮರಿ ಕುಯ್ಕೆ ನರಿ ದಾಯ್ತಿರ್ತೈತೆ ಆ ಪರ್ಸಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಸುಮ್ ಕಣ್ಮ ಸಿಗೋದು ಕುತ್ತಿದ್ದೀರಾ దూరం ఉండే ఇంకా మాట్లాడాలి ఏమైనా చిన్న గింజలైనా అప్పు దూరం ఉండి నీ కాలు మొక్కట దొరా నా పిల్లల తల లాకలో చచ్చిపోతున్నారు సేరు గింజలు అని ఇట్లా మొక్కాలి అంగా వాళ్ళకి బుద్ధి ఊడితే ఇస్తారు సారు బుద్ధి ఊటకపోతే ఇయ్యరు ఎవరన్నా ఒకరు ఒకళ్ళు ఇస్తున్నా కానీ వడ్డీతో సహా వసూలు చేసుకుంటారు సారు రైతు కూడా కడుపుకు తిననిక లేక నాలక్కడ దాన్ని పోతా ఇంకా ఇట్లా ఒక ఐదారు రోజులు అడిగినప్పుడు తటకిన ఇయ్యరు ఒక 8 రోజులు 10 రోజులు అవుతుంది ఎన్నిక కొడుక మాకెందుకు రావు సారు అంతంత పిల్లలు వయసు పిల్లలు పెట్టుకొని మేము ఏడ వండాలి ఏడనివ్వాలి రాలేదమ్మా రాలేదమ్మా అంటే ఈ బాధ మేము వచ్చినాం మాకు వచ్చి కొడుక మా కొంపలు ఎట్లా మునిగేటే మునుగనివే లీస్ట్ కొడుక అది మునిగేదే మునుగానే అని కూడా చూసుకొచ్చుకోండి మాకు ఆ బాధనే మేము ఇలా గుమ్మరించేది ఏరే వాళ్ళ మీద గుమ్మరియాం ఎందుకంటే మీరు సస్యాల సంస్థ వల్ల గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎవరన్నా కానీ మేము అయితే ఇదే బాధ చూడతారు మాకు నిండు ఇదే బాధ షెడ్యూల్ కాస్ట్ షెడ్యూల్ ట్రైబ్స్ అండ్ ఫిషర్మెన్ ఇన్ కోస్టల్ బెల్ట్ అండ్ ఈవెన్ అదర్ బెల్ట్స్ మోస్ట్లీ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వీ షుడ్ ట్రై టు ఎక్స్టెండ్ హెల్పింగ్ హ్యాండ్ the remaining people also they will also face the disaster but they have the capacity to manage themselves because we have cases in Bihar where Dalit Tolas are somehow got a feeling that relief is not meant for them I don't know how but like in Bihar some tolas earlier used to thought that they are not meant for elections somebody else will cast their vote so if they were tolas sometimes relief is not for us because it has never reached them it's never reached and nobody told them so something which is not meant for me how can I claim so it means lot of empowerment needs to be it's for you so that at least one should be able to open his or her mouth ಮತ್ತೆ ಮೇಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು ಇಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾಡೋತಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಯ್ತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಮ್ಯಾಲ ಜೊತೆಯವರು ಇವ್ರು ಕೀಳು ಜೊತೆಯವರು ಅನಂತ ಮಾತನ್ನು ಬಂದವ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದಲಿತರೆಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿರ ಅವಾಗ ಮುಖ್ಯ ಸರ್ ಒತ್ತೆ ಗಜ್ಜೆ ಹಮ್ರಾಗ ಜಮ್ಜಿದ್ನ ಜಹಾಜ್ ಗಿರ್ಲೇ ನಾ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಗಿರ್ಬೋ ರೇ ಹಮ್ರಾಗ ಅದು ಎಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ನೀ ಜಾ ಲೇಲಿಯೇ ನಾ ತೋ ಬಕಾ ಸರ್ ಜೆ ಲೋಗ್ ರಹೆ ನಾ लाठी मर मर हमारा जो हम सिविल में बैठ गए थे भूखे था उस दिन बोलता है वहाँ पर में सब लोग था कहता है उठा दिया हम लोग को खाने बैठे हुए थे तब हाँ बैठा दिया पत्ता खींच लिया सर पत्री हम ले लिए सर वो हमारे से छीन के उधर दे दिया The community shelters were not available for them, like the schools or halls or whatever it is. मार देते हम लोग को इसीलिए उधर ज़्यादा नहीं है जाता भी नहीं क्यों हमको उधर अंदर आने के लिए भी आने को नहीं देता है किधर भी हमारा गांव में जो भी है उधर मनना है हमारा जाति को मनना है A lady losing her eyes, in fact her eyes being gouged out by dominant caste people when she just asserted that she required relief and that to relief that was being provided by the government
ಏನು ಯಾಕಾಡೋದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ, ಮಾಡಿದ್ರು ಕಾನೂನು ತೊಗೊಂಡದ, ಉದ್ರೂಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಏನು ಇಲ್ತಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಏನೂ ನಮ್ಮ ಭಯ ಭಾಳ ಅದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಭಾಳ ಭಯ ಅದ್ರಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅತ್ಯಾತ ಏನು ಇಲ್ಲರಿ, ನಾವು ಸುಮ್ಮಂದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಥರ ಒಂದ್ರ ಜಾಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದೊಂದಾಯ್ತು ರೀ, ಆದ ಬಳಿಕ ನಮ್ಗೆ ಏನಿದೆ ಮುಂದೆ ಈ ಜಾಗನೇ ಬಿಡಬೇಕು, ಆ ಹೊಸ ಊರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಮ್ರಾಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಲಹಣ ಕಳಿಬೇಕನ್ನೋದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. वो शिविर में कोनो हरिजन को खाने नहीं दिया, नहीं दिया है सर, मार तक जिस तरह हम वहाँ सामने खड़ा था, जिस तरह पशु को नहीं डंगाता है उस तरह से हम लोग डंगा के भगा दिया, कान पकड़ लिया, हम लोग दारी भी किया है, तीन सब घर मुसर को मार दिया, जिस तरह पशु को नहीं डंगाता है उस तरह डंगाना शुरू कर दिया. सरकार से निवेदन ई चाहे छे जे हमरा आर के कोई रास्ता नहीं छे कि हमरा आर के एकर सरकार टिकट दे दिए कि बिहार विदेश जाले, ए गांव से सरकार हमरा आर के विदेश जा सके छे, नेपाल जा सके छे, दरभंगा जा सके छे, रांची जा सके, बनारस जा सके छे, यहां रहना नहीं चाहते आप लोग? नहीं, हमरा के मोह के रुचि से है, समस्या के रुचि से, व्यवहार के रुचि से, कोई देखने के लिए नहीं चाहता, एक गांव से भागे के लिए चाहे छे. Somebody was telling me he kind of searched and asked SC ST in the DM Act and didn't find anywhere. They said inclusive is written, so it's assumed, but I think somewhere we need to highlight this. When we talked to people, we felt that if we cannot take this story outside, then we will be further victimizing the victim. And therefore, a national campaign on Dalit human rights felt that we need to have a specific focus, a watch, a Dalit watch, a national Dalit watch, to look at the whole aspect of discrimination. So when again in 2008 the floods came, we were prepared already with volunteers to support, not just in identifying the disaster but also in making inclusion possible. So preparing lists, making sure that the authorities at the block level, at the panchayat level, and also consolidating it at the district level, that the communities themselves assert that how they can be included in this whole process. ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಲಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮತ್ತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ, ಎಸ್ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದಲಿತರ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೂರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಥರ ರೀ. ನಾವು ಏನೈತಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಈ 2000 ಮನೆಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾವ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಸಂಘದವರು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಕ್ಕ ಸರ್, ಮತ್ತು ನೀರಿಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಯಾರ ಸರ್, ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮ್ಯಾಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ NCDHR for last 3 years plus now, and it has been helpful in bringing the Dalits and tribal issues in various programs and policies and plans of Sphere India. But apart from Sphere India, we have jointly worked together to also bring these inclusion issues, especially linked with Dalits and tribals, in the national guidelines and the national policies, working with the NDMA. Yes, kuna pantalu nasipoyanu sir, water lo poyindi. తినే ధాన్యం వరిచాను, నష్టపోయినాం. అయితే దానికి ఉపయోగకరంగా అయితే ఎక్కడ తినా కూడా ఏం లాభం ఉందలే సార్. తినే ధాన్యం వేసుకున్నాం, అయితే అది వాటర్లో పోయింది. తర్వాత ఇంట్లో ఉన్న రైస్ వాటర్లో పోయింది. తర్వాత జొన్నలు అంట అటువంటివి రకరకాల తినేటివి పోయినాయి సార్, వాటర్లో పోయినాయి. దానివల్ల మేము చాలా ప్రయత్నం చేసినా కానీ మాకు ఎక్కడి నుంచి లాభించలేదు సార్. ఎంతసేపున్నా స్వచ్ఛత సంస్థ వాళ్ళు చేసిన రైస్ కానీ ఏమన్నా దుప్పట్లు కానీ బట్టలు కానీ ఇటువంటివి మాత్రమే లభించినాయి సార్. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అందలేదు సార్. మాకు మండలం దగ్గర పోయినాం,
మాకు వచ్చేటివి ఏమైనా ఉంటే గవర్నమెంట్ నుంచి మాకు లభించాలని అడిగినాం, అవి ఇవ్వలే సార్. ఫ్రమ్ ద ఇయర్ 2010 NDW హ్యాస్ ఎంగేజ్డ్ విత్ ది NDMA in the process of its guidelines and policy on disaster management. Now they are accepting, they are acknowledging, they are mentioning even about Dalits when they are talking about vulnerable communities in their guidelines. But definitely a lot has to be done. The initiative of NCDHR should not be viewed as if it's only working for Dalits. I think it's a fantastic contribution to make relief rehabilitation more transparent, more accountable, and transparent accountable from a general people's perspective and with a Dalit and vulnerable focus. हमारा अधिकार है सरकारी सुविधा लेने का. पहले भी अधिकार था लेकिन अब सरकार ने कानून बना दिया है कि अगर हमको कोई अधिकारी नहीं देता है तो हम उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं. दलित संघ ದವರು ಇಂಡಿ ಅವರು ವಿಜಯಪುರದವರು ಹೀಗೆ ಬಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಬಂದು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ತರ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ತಿಳುವಟಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಹಿಂಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ನಡ್ರಿ, ನಿಮಗೇನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಯಾರಿ, ಭೇಟಿ ಆದ ಬಳಿಕ ನಾವು ನೀವು ಕೂರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಇದು ಸರ್ಕಾರಗಳೊಳಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರತ್ನ ಗೆದೇನು ನಮ್ಮ ಸಾಲ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಕೂಡ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ, ಯಾವ ಸಂಘ ಸಾಯಿ ಸವಲತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಘ ಕಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಏನು ಏನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾರ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. आपके गांव में मैंने देखा वो रंगानदी पे एक भी सरकारी नाव नहीं है, जबकि आपके पास एक सरकारी नाव तो कम से कम इस गांव में होनी चाहिए थी. एड्रेसिंग डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट इवन इन द टाइम ऑफ डिजास्टर्स, आई थिंक द वर्क हैज जस्ट बिगन. द चैलेंजेस टू सर्टेन एक्सटेंट have begun to be addressed and some of them have found a place in the policy, but we have a long way to go. Da ga ma ga, da ga ma ga, jini gi ke re, no hi aai re, charo hori ya, ghero le re bhaiya, no di aake re, poni aai re, da ga ma ga, da ga re ma ga, jini gi ke re, no iya, nau kat nai khe, kat hure bhaiya, ಡಾಗ ಮಾಗ ಡಾಗ ರೇ.